राजौरी में आतंकियों की नापाक हरकत को एक बार फिर सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। रात के अंधेरे में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला बोला। सेना ने भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस आतंकी हमले में एक जवान के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। आतंकियों द्वारा हमला करने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें, ये हमला इन आतंकियों ने राजौरी जिले के गुंधा इलाके में सुबह 4 बजे के आसपास किया। मिली जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में एक आतंकी तो मारा ही गया और तो और एक नागरिक के जख्मी होने की सूचना भी है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पहले एक गांव के बाहरी इलाके में एक ग्राम रक्षा समूह के सदस्य और पूर्व सैनिक के घर पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस कर्मियों की मौजूदगी की वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ा और बाद में उन्होंने सेना की चौकी को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी हमलों में आई तेजी के बीच सुरक्षा बलों ने भी अपनी तैयारी पूरी रखी है। इन आतंकियों ने पिछले एक महीने में कई इलाकों में हमले किए, जिसमें आम नागरिकों को भी इन आतंकियों ने नहीं बख्शा। हालिया हमला डोडा में हुआ था, जहां घने जंगलों में सेना के एक सर्च दल पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। इस हमले में एक अधिकारी सहित 4 जवान शहीद हो गए थे। ऐसे में हमले के अलर्ट को लेकर हर जगह सुरक्षा टाइट है। रात में भी सुरक्षा बलों की ओर से पैनी नजर रखी जा रही है। घने जंगल वाले इलाकों में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा। और तो और, भारतीय सेना ने लगभग 500 पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज को भी तैनात कर दिया है। जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। कुल मिलाकर पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए इन आतंकियों को भी उनके अंजाम तक पहुँचा ही दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।